देखिए, कई लोगों का सवाल था कि जो किरण खेर हैं वो राघव जुयाल से इतना चिढ़ती क्यों हैं, ऐसा क्या किया है राघव जुयाल ने जिसको लेकर बॉलीवुड के काफ़ी सितारे और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के लोग राघव जुयाल से हमें सड़े खड़े रहते हैं। तो चलिए आज हम डिकोड करते हैं इस बात को कि भाई किरण खेर राघव जुयाल से पर्सनली क्यों इतना खफा है। देखिए, अगर किरण खेर को आप जानते हैं, देखिए कितने सारे सीजन करके आए हैं इंडियाज गोट टैलेंट के, मनीष पोल के अलावा किसी भी होस्ट से इन्होंने अभी तक बातें नहीं की है। इनका वो ना पुराना वाला मेंटेलिटी अभी तक है कि जो होस्ट है वो होस्टिंग का काम करेगा, जो जज है वो जज का काम करेगा, जो जजेज होते हैं उनका ओरा सबसे ऊपर होता है, उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है, वो ही डिसाइड करेंगे क्या सही क्या गलत। और जितने भी होस्ट आते हैं वो किरण खेर से बड़ी इज्जत से बात करते हैं, कोई भी उनको ना चढ़ के बात करने का किसी का भी मन नहीं रहता। ठीक उनके को जजेज के साथ ऐसा रहता है, ना करण जौहर उनसे फालतू बात करते, ना मलाइका, अभिनय सीजन में ना बादशाह को तो उन्होंने काफ़ी बार धमका भी दिया है। एक शो में तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को धमका दिया था। देखिए, कई सारे कंटेस्टेंट ऐसे आते हैं जो थोड़ा बोल्ड डांस करते हैं, तो उनको लेकर भी उनका ऐसा नजरिया रहता है कि यार तुमने क्या कर दिया। किसी का अलग डांस है तो उसके बारे में उनका ये होता है कि नहीं यार ये हमें पसंद नहीं आया। कोई स्टंट खतरनाक करता है तो उनका एक्टिव पूरा देखते ही नहीं, बिना देखे अगर सबने बोल दिया अच्छा तो अच्छा, पसंद नहीं आया किसी को भी तो इनको भी पर्सनली पसंद वो नहीं आता। तो ऐसे में राघव जुयाल के बारे में आपको बता देता हूँ, इन्होंने जहाँ भी अभी तक होस्ट किया है हर सीजन में, भाई चाहे जज हो चाहे सुपर जज हो, बराबर धोया है हर किसी को। और गीता माँ को लेकर तो इनका रिलेशन इतना जबरदस्त है कि जिस भी शो में गीता माँ आए तो भाई इन्होंने डेफिनेटली उनके गाल खींचे ही खींचे। एक तो इस बात को लेकर किरण खेर काफ़ी छिड़ी हुई हैं कि भैया जो आप होस्ट हो तो होस्टिंग करो ना, आप जजेस के साथ इतनी छेड़खानी क्यों करते हो। और भाई देखिए, रेमो सुपर जज हैं, इन सब के गुरु हैं, ऐसे में राघव जुयाल ने कभी रेमो को भी फ्री में नहीं बख्शा है, उनको भी कुछ ना कुछ सुनाया है। इनका एक नया गेम चला जहाँ पर वो चुटकले पढ़ते हैं, तो इस चुटकले अंदाज में भी रेमो को पेलते रहते हैं। दूसरी चीज़, राघव जुयाल हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, मोदी के हमेशा अगेंस्ट। भाई अच्छे काम में तारीफ भी करता है बंदा, लेकिन जनरली ये बंदा हमेशा गवर्नमेंट को खींचे रहता है, चाहे अमित शाह ने कुछ किया हो, चाहे मुसलमानों के ऊपर कोई बात हुई हो, चाहे आधार कार्ड से रिलेटेड अमित शाह ने कुछ बोला हो कि लाओ अपने डॉक्यूमेंट बाहर दिखाओ। राघव जुयाल ने कभी भी गवर्नमेंट के साथ कुछ भी इनके फेवर में नहीं बोला। एन किरण खेर का आपको पता है भाई, बीजेपी की लीडर हैं, चंडीगढ़ से हैं, देख यार बीजेपी की हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ सुनेंगे नहीं, क्योंकि भाई इनकी गवर्नमेंट एक्शन में है, इनकी गवर्नमेंट पावर में है। इसको लेकर भाई ये अंदर अंदर से ना और छिड़ी पड़ी है राघव जुयाल को लेकर। ठीक ऐसा है, अभी सनी देओल भी काफ़ी स्टेटमेंट दिए राघव जुयाल के खिलाफ कि यार ये अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि यार ये बंदा हमेशा अगेंस्ट ही बोलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काम ही ऐसे किए हैं कि भाई गाली सुनने के हैं। मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये बात राघव जुयाल बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो राघव जुयाल हमेशा अगेंस्ट रहे हैं। सो दीज आर द रीज़न कि किरण खेर कभी भी राघव जुयाल के बारे में अच्छा नहीं बोलते, चाहे कैसा भी इंटरव्यू हो, कोई भी स्टेटमेंट हो। आई होप आपके सवाल का मैं सही सटीक जवाब दे पाया हूं। और हाँ, डांस से रिलेटेड, डांस प्लस से रिलेटेड जितने भी टीवी रियलिटी शोज हैं सबकी अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहती है, तो कभी वीडियो स्किप ना कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपके पास सही समय पर पहुँच जाए। और अगर आप राघव को फॉलो करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, तो कमेंट में टीम आर ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलता हूँ कल, तब तक आप सभी को अलविदा।